हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये 6 जुलाई को परिवर्तन करेंगे, परंतु ये परिवर्तन अपने आप में बड़ा विचित्र है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों विचित्र है, इसके पीछे क्या कारण है, इसे भी हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि शुक्र का परिवर्तन होगा, ये कर्क राशि में होगा, जो कि चंद्रमा की राशि कही जाती है, और कर्क राशि में 6 जुलाई को ही प्रवेश कर जाएंगे, परंतु फिर 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन भी कर्क में ही हो जाएगा। तो जहां एक तरफ चंद्रमा यानी कि अपने शत्रु के राशि में गोचर करना, वहीं दूसरी तरफ सूर्य के साथ अपने शत्रु के साथ युति करना, और तीसरा कि यहाँ पर जब सूर्य और शुक्र की युति होती है तो अपने आप में एक बड़ा दिव्य योग बनता है, आप मुझसे कई बार सुनते रहे, वैभव योग का निर्माण हो जाता है, जो कि अपने आप में कई तरह के लाभ देने के लिए माना जाता है। तो ये योग और दूसरी तरफ शत्रुता, दोनों स्थितियाँ हैं, ये क्या लाभ देगा, क्या समस्याएं देगा, क्योंकि देखा जाए शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति और आपके साहस के अधिपति हैं, और आपके भाव में गोचर करेंगे, आपके सष्टम भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो अपने आप में ये कुछ विशेष स्थितियाँ बनेंगी। तो देखा जाए तो शुक्र महाराज जहाँ एक तरफ आपको अपने करियर में लाभ दे सकते हैं, परंतु उन लोगों के लिए लाभ होगा विशेष रूप से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, और ख़ासकर अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, और विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हैं, खासकर जॉब करते हैं और विदेश से जुड़ी हुई कंपनियों में जॉब करते हैं या विदेश में करते हैं, तो यहाँ पर आपको धन लाभ की स्थिति, अपने कार्य में, करियर में जो आप काम करते हैं वहाँ पर सफलताएं मिलना, ये स्थितियाँ बनने वाली हैं। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग अपने जीवन में मानसिक पीड़ा से पीड़ित थे और ख़ासकर सर से संबंधित समस्याएं थी, उन्हें थोड़ा राहत देखने को मिलने वाली है। यहाँ से धन लाभ तो होगा, परंतु यहाँ पर एक और भी स्थिति बनने वाली है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ समस्याओं में फंसे हुए थे और उनसे चाहते थे कि छुटकारा मिल जाए, तो इस समय कई तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ शुक्र अपने आप में बलि हो जाते हैं, जब व्यय भाव में जाते हैं तो यहाँ पर जाके शुक्र महाराज आपको धन लाभ तो करवाने ही वाले हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष अवश्य बढ़ जाएगा, आपको मेहनत अधिक करनी होगी, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा कंपटीशन अधिक है या कंपटीशन की स्थिति है, तो वहाँ पर अपने प्लान को बहुत मजबूत करना होगा, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा असफलताएं देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर आपके जोश में वृद्धि, परंतु ये जोश कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप में संयम बरतना बेहद ज़रूरी होगा। कर्ज की स्थिति से आप बाहर रहें, जो कि यहाँ पर कोई ना कोई धन मार्ग खुलेगा तो सीधी सी बात है कि कर्ज से आप बच पाएंगे, यानी कि कर्ज आपके पास है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, परंतु कर्ज लेना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ज लेंगे तो फिर वही बात हो गई कि जहाँ एक तरफ आ रहा है पैसा, वहीं दूसरी तरफ आप कर्ज भी ले रहे हैं, तो कर्ज लेने से तो बचिए, परंतु कर्ज चुकाने के लिए आप प्रयास अवश्य कर सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको, तो स्वास्थ्य का यदि ध्यान रखेंगे, खासकर 16 जुलाई के बाद विशेष रूप से स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, परंतु 16 जुलाई के बाद ही विशेष रूप से धन प्राप्ति भी होगी। तो देखा जाए तो कुछ स्थितियां जहां आपके पक्ष में जा रही हैं, वहीं कुछ स्थितियां आपके विपरीत जा रही हैं, तो आपको एक संयमित स्थिति में रहना होगा, और सबसे बड़ा होगा इसमें कि अपने मन को स्थिर रखना, अपने मन को, अपने आचरण को बेहतर बनाना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको नित्य प्रति कोशिश करना चाहिए कि यदि आप श्री सूक्त का पाठ कर सकें, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकें भगवान नारायण के साथ में, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।